हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। ये वीडियो स्टैंडर्ड 10th के लिए है और इसमें हम लोग केमिस्ट्री में आज जानेंगे स्पेशली यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में। ठीक है, जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है उसको आप जाकर जरूर देखिए, काफी रिमेम्बरिंग पार्ट है और वो हेल्पफुल भी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है। ठीक है, डेफिनेशन यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया गया है। डेफिनेशन क्या है? इट इज द मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट कलर्स, इट इज द मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट कलर्स और डाइज। ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है काफी सारे रंगों का और काफी सारे डाइज का क्या होता है, आपस में कम्बिनेशन होता है। यानी इस इंडिकेटर में क्या होता है, बहुत सारे रंगों को आपको देखने को एक साथ एक सामूहिक रूप में आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ होता क्या है, विच गिव्स डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच वैल्यू, जो कि अलग अलग पीएच वैल्यू वाले सबस्टांस पे अपना कलर अलग अलग शो करते हैं ऑफ इंटायर पीएच स्केल, पूरे पीएच स्केल पे। मतलब क्या, सपोज ये एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है। इस यूनिवर्सल इंडिकेटर अगर हम ये मान ले कि इस पे अलग अलग हम बहुत सारे पीएच वैल्यू को देख सकते हैं, ये जितने भी पीएच वैल्यू होंगे सारे पीएच वैल्यू अलग अलग कलर को शो करेंगे। या आप ये भी बोल सकते हैं कि अलग अलग कलर वाले जितने भी सबस्टांस होंगे, जितने भी डाइज होंगे, वो अलग अलग पीएच वैल्यू को शो करेंगे। ठीक है यहाँ पे मैंने यूआई लिखा है शॉर्टली, यूनिवर्सल इंडिकेटर। नोट क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर कैन बी यूज आइदर इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ पेपर लाइक लिटमस। यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर को आप यूज कर सकते हैं एक सॉल्यूशन के तौर पे, जैसे फेनोलेफ्थ्रिन को हम लोग करते हैं, या फिर आप यूज कर सकते हैं इसको पेपर के तौर पे, जैसे हम लोग लिटमस पेपर यूज करते हैं, कुछ इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर को। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है, ये जो होता है काफी कलर्स और डाइज कॉम्बिनेशन होता है जो अलग अलग स्ट्रेंथ वाले एसिडिक बेस और साल्टी सबस्टांस पे अलग अलग पीएच वैल्यू के साथ अलग अलग कलर प्रोवाइड कराता है। चलिए देखते हैं वो कलर होता कैसा है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, होपफुली आप देख पा रहे होंगे। अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 0 है तो उसका कलर जो होगा वो डार्क रेड होगा। यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर पे 0 पीएच वाले वैल्यू को आप देख सकते हैं डार्क रेड कलर में। किस कलर में? डार्क रेड कलर में। या फिर आप ये बोलिए कि जिस सबस्टांस का यूनिवर्सल इंडिकेटर पे कलर है डार्क रेड, उसका पीएच वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर पे किसी सबस्टांस को अगर आप दिखा रहे हैं उसके नेचर पता करने के लिए और उसका कलर आपको रेड मिल रहा है, तो या तो उसका पीएच वैल्यू 1 होगा या फिर उसका पीएच वैल्यू 2 होगा। ये भी रिमेम्बरिंग पार्ट है, इसको भी याद करना पड़ेगा आपको। फिर ऑरेंज रेड अगर कोई सबस्टांस दिखा रहा है अपने नेचर में यूनिवर्सल इंडिकेटर पे, डाई जो है उसका जो कलर है वो अपना चेंज करके दिखा रहा है ऑरेंज रेड, तो इससे आप इंडिकेशन ये मिलता है कि उस सबस्टांस का पीएच वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है। अगर कोई सबस्टांस है जिसका कलर जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर पे वो 4 दिखा रहा है, सॉरी ऑरेंज दिखा रहा है, तो उसका जो पीएच वैल्यू है वो 4 के इक्वल है। उसी प्रकार अगर ऑरेंज येलो दिख रहा है आपको कलर यूनिवर्सल इंडिकेटर पे, तो सबस्टांस का पीएच वैल्यू किसके इक्वल होगा? 5 के इक्वल होगा। इसी प्रकार ग्रीनिश येलो जो होगा इसका पीएच वैल्यू 6 होगा, ग्रीन जो होगा उसका पीएच वैल्यू 7 होगा, ग्रीनिश ब्लू जो होगा उसका पीएच वैल्यू 8 होगा, ब्लू जो होगा उसका पीएच वैल्यू 9 होगा, नेवी ब्लू जो होगा इसका पीएच वैल्यू 10 होगा, पर्पल कलर का पीएच वैल्यू 11 होगा, डार्क पर्पल का पीएच वैल्यू 12 होगा, और वायलेट कलर अगर आपको दिखता है तो उसका पीएच वैल्यू जो होगा वो 13 या 14 होगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, आपको पता है कि 7 जो सबस्टांस होता है, सॉरी 7 पीएच वैल्यू जो शो करता है वो सबस्टांस क्या होता है? न्यूट्रल होता है। मतलब क्या है कि ये जो है 7 वाला जिसका कलर ग्रीन दिख रहा है, ये ग्रीन दिखने वाला कलर क्या है, ये आपको न्यूट्रल सबस्टांस को शो करेगा। ठीक है, या फिर ये बोलिए कि साल्टी सबस्टांस को शो करेगा, जो ना एसिडिक बिहेवियर का होगा नहीं बेसिक बिहेवियर का होगा। इसके पहले ये जो है डार्क रेड से लेके ग्रीनिश येलो तक, यहां तक एसिडिक सबस्टांस का आपको नेचर मिलेगा। यानी अगर आपको डार्क रेड, रेड, ऑरेंज रेड, ऑरेंज, ऑरेंज येलो या ग्रीनिश येलो मिलता है, तो ये सारे कलर जो होंगे एसिड को शो करेंगे, भले उनका पीएच वैल्यू अलग अलग होगा। फिर यहाँ पे ग्रीन जो होगा कम्प्लीटली ग्रीन कलर जो होगा वो न्यूट्रल कंपाउंड को शो करेगा। फिर उसके बाद ग्रीनिश ब्लू, ब्लू, नेवी ब्लू, पर्पल, डार्क पर्पल, वायलेट, ये जो होंगे सारे बेसिक नेचर को शो करेंगे। ठीक है, हम लोग ये जानते हैं कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पे डिपेंड होता है किसी सबस्टांस का एसिडिक या बेसिक नेचर, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं
कि अलग अलग पीएच वैल्यू पे अगर कलर अलग अलग है, तो दूसरे लैंग्वेज में इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि अलग अलग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पे, यूनिवर्सल इंडिकेटर पे, हमें अलग अलग पीएच वैल्यू या अलग अलग कलर देखने को मिलेंगे। इस पर जितने भी नोट्स लिखवाए गए हैं इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर आगे आते हैं। चलिए अब इन सारे यूनिवर्सल इंडिकेटर से कलर को हम लोग कंपेयर करके देखते हैं पीएच स्केल से। आपका कुछ इस तरीके से पीएच स्केल होता है, 0 से लेकर और 14 तक क्या होता है उस पर नंबरिंग्स होते हैं। 0 वाला जैसे यहाँ पे लिखा गया है डार्क कलर, मतलब क्या है कि किसी सब्सटेंस को अगर आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर से नेचर पता करने की कोशिश की तो इस पर कलर 0 वाले कलर दिखेगा डार्क रेड, 1 वाले का रेड, 2 वाले का भी रेड, 3 वाले का ऑरेंज रेड, 4 का ऑरेंज, 5 का ग्रीन ऑरेंज येलो, 6 का ग्रीनिश येलो, मैंने जीवाई लिखा है, स्पेस नहीं था यहाँ पे, मैंने लिखा है जीवाई यानी ग्रीनिश येलो, 7 का ग्रीन, 8 का ग्रीनिश ब्लू, जीबी लिखा गया है ग्रीनिश ब्लू, 9 का ब्लू, 10 का नेवी ब्लू, 11 का पर्पल, 12 का डार्क पर्पल, 13 एंड 14 का पर्पल, ठीक है। और आपको पता है कि 7 वाला जो होता है ये न्यूट्रल होता है, इसके लेफ्ट में जैसे जैसे हम लोग जाएंगे तो सब्सटेंस का एसिडिक नेचर बदलते जाएगा, यानी इधर आप जाइए मोर एसिडिक, 7 से राइट जाइए आप मोर बेसिक। तो ये कंसेप्ट था यूनिवर्सल इंडिकेटर का। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बताई गई सारी बातों को अच्छे से अमल कीजिए, उसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक आप इसको माइंड में फिटअप कीजिए और अच्छे से आप समझने की कोशिश कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।